भाई कितनी गर्मी हो रही है यार, अभी तो सर्दी चल रही थी, एकदम से गर्मी आ गई यार। 40 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गई और लू चलने लग गई। यूपी जैसी जगह ऐसी हालत है यार, यार आगे कैसे सरवाइव करेंगे? ये तो धूप में हाथ भी नहीं लगाया जा रहा, कैसे बाहर जाऊंगा यार मैं? अबे ये धूप में कौन बैठा है यार? वाह क्या सुहाना मौसम है। नीले गगन के तले। अरे यार मैं तेरे को बताना भूल गया था, ये मेरा राजस्थान वाला कजन है। ए, चाय देना एक। अरे भाई इतनी तगड़ी धूप में बैठ के चाय पी रहा है, इसे गर्मी नहीं लगती क्या यार? अरे भाई जो हम लोगों का टॉर्चर है ना वो इसका वार्म अप है। धूप में गरम गरम चाय पीने का मजा ही कुछ और है। क्या भैया यार क्या ठंडी चाय दे रहे हो यार, मैंने एकदम गरम चाय मांगी थी ये दिया आपने। इस बार दो चाय लगाओ, एकदम गरम होनी चाहिए, तत्ती चाय, ठीक है? लाओ दो दो चाय। अरे यार भाई अलग ही लेवल है इसका, बंद करते भाई गेट, गर्मी लग रही है। क्या हालत हो गई है यार, आप ही ठीक कर सकते हो भगवान। अरे क्या बात हो गई? अरे यार ये आनंद भाई देख, आनंद भाई फिर से खराब हो गए क्या? अरे लास्ट टाइम तूने ठीक किए थे। हाँ। और होली पे क्या डांस कर रहे थे यार। अच्छा? फिर किसी ने दिनचक पूजा और टोनी कक्कड़ का मैशअप चला दिया यार, उसके बाद फिर ये हालत हो गई। ओहो हो बहुत बुरा हुआ यार, लेकिन मेरे पास एक सॉल्यूशन है यार। क्या यार बता ना यार बता। हाँ इधर ला। ओ भाई अभी चक्कर के आता हूँ। ये आनंद भाई को रख दिया धूप में, अब देखता हूँ क्या होता है। भाई जैसा तूने बोला था बिल्कुल वैसा करके आया हूँ, अब देख तू। अरे भाई क्या बात है, ठीक है, नींद में तो एनर्जी भी आ गई। अरे भाई तू देखता रहे बस तू। अरे यार थैंक यू यार, थैंक यू, तूने ठीक कर दिया यार फिर से। अरे भाई दोबारा कभी प्रॉब्लम मेरे को याद कर लेना, तगड़ी थेरेपी अपने पास, ठीक है? चलता हूं। अरे यार कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है यार, क्या करूं? एक काम करता हूँ नहा लेता हूँ। हाँ यार तभी राहत मिलेगी, अब मस्त ठंडे पानी में नहाऊंगा, मजा ही आ जाएगा। ठंडे ठंडे इतना गर्म पानी यार, तो मेरे को उबाल देगा, लगता है पाइप गर्म हो गए धूप में। हाँ टंकी तो ठंडी होगी ना, टंकी के पानी में नहा लेते, चलो। हाँ अब यार इसमें नहाएंगे, चलो पानी चेक कर लेते। ओबे इसका तो और ही गर्म पानी है यार, बस सिट्टी लगने की देर ही है, इतना गर्म है। पता नहीं दुनिया में काली कलर की टंकी क्यों बनाते हैं यार, क्या करें। अब तो यार एक ही जगह है जहां मैं नहा सकता हूँ, वहीं मिलेगा ठंडा पानी। चलो एक ही जगह है जहां का पानी ठंडा हो सकता है, वो है अपना कूलर। चलो पिटार दिया, अब सीधा नहा के देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अरे वाह यार क्या मस्त ठंडा ठंडा पानी है भाई, मजा आ गया। आहा, टेस्ट थोड़ा गड़बड़ है लेकिन पानी मस्त है। मजा। अरे कौन डिस्टर्ब कर रहा है? अरे 45 डिग्री की गर्मी में क्रिकेट खेल रहे हैं कूलर लगा के? अरे क्रिकेट विकेट मत खेल यार, 45 डिग्री का टेम्परेचर हो रहा है, उड़ उड़ जाएगा, घर वालों को लाश भी नहीं मिलेगी, चल निकले यहां से चल। इसको स्कूटर के ऊपर भी कूलर चाहिए, वाह यार सही दिमाग लगा रखा है। अरे फिर से वापस आ गया। अरे धूप में बैठ गया कूलर लगा के, यार इसके ठाठ ही खत्म नहीं हो रहे, हर जगह कूलर चाहिए इसको, हर जगह कूलर चलाए घूम रहे है। ये क्या होने लग गया इसको? अरे देखता हूं। अबे इसको क्या हो गया? ओहो बेहोश हो गया। अच्छा कूलर का पानी खत्म हो गया, कूलर ने लू मारनी शुरू कर दी। सही है, तो इधर उधर हार्ड रहा था पता नहीं कूलर के साथ। एक काम करता हूँ उसका कूलर ले चलता हूँ, ठंडा तो मस्त करता होगा। हाँ अरे भाई इतना उदास सा कैसे है?
अरे यार सोचा था लाइफ में बहुत बड़ा करेंगे, पैसा कमाएंगे, भाई का है ना तेरा अरबोपति बनने का मूड है। इस दुनिया की सारी अमीर प्रॉपर्टीज मैं खरीदना चाहता हूँ, सारी की सारी गाड़ियाँ खरीदना चाहता हूँ मैं। अच्छा तो तूने अन्ना हट्टी कुट्टी का तो नाम सुना होगा, ये कौन है? अरे भाई ये वही तो आदमी है ना, कुछ दिन पहले गरीब हुआ करता था और बहुत पैसे वाला हो गया, दुबई में तेल के कुएं खरीद लिए उसने, और पता है टेस्ला का इंडियन वर्जन लॉन्च किया फैसला। अरे क्या बात कर रहा है यार, मैंने तो कभी सुना ही नहीं। अच्छा आईपीएल तो सुना होगा। अरे आईपीएल का स्पॉन्सर है इस बार का, इतना पैसा बहा है भाई, बहुत अमीर आदमी बन गया भाई वो। हाँ यार कौन है यार ये आदमी? देख अभी आने वाला होगा, देख। मट्टे कुट्टे अन्ना माइंड इट, इफ यू हैव थर्स्ट आई विल फाइंड इट थ्रू माय नारियल, आई विल किल इट, नाउ टेक इट। वाह यार नारियल, माइंड इट ओनली 200 रुपीस। अबे तू 200 रुपए मांग रहा है? दे दे यार प्लीज यार। क्यों? अबे जब मैं करोड़पति बन जाऊंगा तब तेरे को दे दूंगा। अबे चल मेरे को नारियल पहले ले ले। आ गए भाई। भाई इतनी गर्मी थी ना बाहर, फाइनली घर आ गए, अब आराम से सोएंगे। हाँ भाई कौन सा बेड लेगा? बेड यार ये लेफ्ट वाला बेड है ना, इस पे कूलर की हवा ज्यादा आएगी, इसको ले लेता हूँ, मस्त नींद आएगी। भाई मैं ना लेफ्ट वाला बेड ले लेता हूँ, राइट वाला ज्यादा बेटर लग रहा है, मैं लेफ्ट पे सो लूंगा। चलो यार सो जाते हैं फिर। हाँ। हाँ मजा आ गया यार, कूलर के सामने वाला बेड भी मिल गया, अच्छा हुआ इसका दिमाग नहीं चला यार, मस्त हवा भी आ रही है, मजा आ जाएगा। अरे यार इतनी गर्मी कैसे लग रही है यार, ये कूलर अजीब सी हवा क्यों मार रहा है? ये इतनी गर्मी चद्दर ओढ़ के सोया पड़ा है। अबे यार पूरी टी शर्ट गिल्ली हो गई पसीने से, उतार रहा हूँ। अरे यार अभी भी गर्मी लग रही है यार, टी शर्ट भी उतार दी, अब तो अभी भी उतनी गर्मी लग रही है। अरे चद्दर ओढ़ के सोया पड़ा है यार, इससे पूछता हूँ। अरे भाई तू यार इतनी गर्मी में चद्दर ओढ़ के कैसे सोया पड़ा है? अरे नॉर्मल चद्दर नहीं है। अबे नॉर्मल चद्दर नहीं है तो कौन सी चद्दर है भाई ये? अरे इस चद्दर को मैं ठंडे पानी के अंदर भिगो के लाता हूँ ताकि रात में मस्त नींद आए। मुझे पता ही था कि तू कूलर के सामने वाला बेड लेगा, लेकिन कूलर में पंप खराब पड़ा है तो लू मार रहा है। अच्छा तो भी मैं सोचूं यार इतनी गर्मी में भी तू कैसे सो रहा है? भाई मेरे को दे दे चद्दर, दे दे ना, दे दे ना। अरे भाई चद्दर दे दे ना। अबे चढ़ चुपचाप सो इस पे, मेरे को भी सुन दे। ठीक है भाई। अरे यार कितनी गर्मी हो रही है यार, धूप देखो कितनी ज्यादा तेज हो रही है, छाया में खड़े होने की जगह भी नहीं है, अब जलते रहो धूप में। अरे भाई क्या बात है, आ गया तू है बड़े स्टाइल में। भाई यार मेरे को एक बात बता, तू अपने आप को इतना बड़ा आदमी बना घूमता है, इतना पॉलिटिकल आदमी बना घूमता है, अब गर्मी में देख तेरे को उतने पसीने आ रहे हैं, मेरे को भी उतने पसीने आ रहे हैं, मेरे को भी उतनी गर्मी लग रही है, तेरे को भी उतनी गर्मी लग रही है, तो तूने क्या उखाड़ लिया बड़ा आदमी बन के, ये बता। हेलो हाँ, अरे यार वो भेजो जल्दी से। हाँ अरे भाई अब फोन वन करने से कुछ नहीं होने वाला, गर्मी कहाँ चली जाएगी है। हाँ लोकेशन ले लेना मेरे GPS पे। ओके जलती हुई ट्रेन को कहते हैं बर्निंग ट्रेन, चाचा हमारे विधायक है, और हमें जब लगती है गर्मी तो हम करवा देते हैं हेलीकॉप्टर से रेन। अरे भाई गलती हो गई भाई, बहुत बड़ा आदमी है तू। अरे भाई तूने तो मेरे को पूरा गीला कर दिया भाई, बहुत मेहरबानी हो गई भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। दोस्तों किसी महापुरुष ने कहा है कि फेलियर ही सक्सेस का फर्स्ट स्टेप होता है, आज हम आपको मिलवाने वाले एक ऐसे आदमी से जो कि 33 बार 11वीं क्लास में फेल हो चुके हैं, और लेकिन उस आदमी में एक ऐसा टैलेंट है जो और किसी में नहीं है। हाँ। वो बिना गैस और चूल्हे के खाना बना लेता है। हाँ। तो मिलते हैं अंकल से। हाँ, नहीं वो 11वीं में 33 बार फेल हुआ था, लेकिन अब वो 12वीं में चले गया मैं। कैसे? अरे वो लॉकडाउन के चक्कर में ना अपग्रेड कर दिया मेरे को, अब मैं सुपर 31 में जा रहा हूँ।
सुपर 30 होता है 1 नहीं होता? अरे नहीं, सुपर 30 में तो 30 के 30 पास हो गए, आईटी में सेलेक्ट हो जाते हैं। मैं 31 हूं तो मैं फेल होऊंगा अकेला। हां तो आप कुछ बना के दिखाते हैं बिना चूल्हे वाले गैस? हां देखो ये अपना रोटी ले रखी है ना, इसको मैं आसमान में फेंकूं और रोटी एकदम सिक्के आ जाएगी। हां देखो ऐसा का बिल्कुल सिक गई एकदम। दोस्तों कमाल हो गया, रोटी सिक गई है, ये तो कमाल हो गया। कैसे सिकती अंकल ये? हाँ देखो अभी मैं आपको ब्रेड भी सेक के दिखाता हूँ, दर्शकों को भी दिखा दीजिए। हाँ दर्शक यार देख लो, खाऊंगा लेकिन भाई ठीक है क्या? हाँ ये गई ऊपर, ये देखो आ गई एकदम ही। और ये क्या बात है, क्या सिक्के आई है? ब्रेड खाड़ी नहीं है, ठीक है क्या भाई? खाऊंगा। अंकल मुझे भी एक बार देना है, मेरे को भी करना है। आपको भी कर दिया क्या? हाँ एक सेकंड, हाँ दर्शक को दिखा दे तू। हाँ दर्शक को देखिए, मैं ही पकड़ता हूँ। अंकल ये मेरी तो थोड़ी सी जल गई ज्यादा ही। अच्छा तो ज्यादा उसी फेंक दी, ज्यादा गर्मी लगी इसका जल गई। दोस्तों ये थे हमारे अंकल जी जिन्होंने गर्मी का फायदा उठा के खाना सेकना शुरू कर दिया है। वाह खाऊंगा लेकिन भाई ठीक है क्या? चल बेचारे माइक वगैरह निकलने आ गए ना, थाली भी मेरी है ना। चलो भाई उम्मीद दोस्तों वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। और देखिए दोस्तों गर्मी की वजह से मैं भी एकदम गीला हो चुका हूँ, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। दोस्तों इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आजकल नए नए रील्स उस पर हम डालते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।